आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। अरनिया बॉर्डर पार कर रहे एक घुसपैठिए को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ ने सियालकोट के निवासी मोहम्मद शाबाद, जिसकी उम्र 45 बताई जा रही है, उसको सीमा पार से अरनिया सेक्टर में घुसने की कोशिश करते देखा। उसे चेतावनी देने के लिए बीएसएफ ने कुछ गोलियां भी चलाई, फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। शबाब के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। इससे पहले 25 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर नशीले पदार्थों की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में घुसपैठिए घायल हो गए। जी हाँ, लेकिन वो वापस पाकिस्तानी सीमा में भागने में कामयाब रहा। कुछ दिन पहले बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान के जैसलमेर में सादेवाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को भी पकड़ा। उसकी पहचान आलम खान पुत्र फैजल खान के रूप में की गई थी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश में जितने भी घुसपैठिए, जितने भी आतंकी अपने मंसूबों से, अपने गैर मंसूबों से देश की सीमा लांघने की कोशिश कर रहे हैं, देश की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमारा सुरक्षा बल, हमारा पुलिस बल और हमारी बॉर्डर फोर्स लगातार नाकाम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से पार्टी के कोर समूह के सदस्य के साथ बैठक। सूत्रों ने बताया कि बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों और केंद्र शासित प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार शाह ने नेताओं से पूर्ववर्ती राज्य के दोनों हिस्सों में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने को कहा। ऐसी चर्चा है कि केंद्र शासित प्रदेश में जारी मतदाता सूची संशोधन कवायद को पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने इस साल चुनाव होने की संभावना से इनकार किया है। बैठक में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा देवेंद्र सिंह राणा, सांसद जुगल किशोर और शक्तिराज परिहार सहित अन्य नेता शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली पुलिस ने कल यानी रविवार 28 अगस्त को होने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो की इजाजत रद्द कर दी है। दरअसल हिंदू सेना ने मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम रद्द करने की मांग करते हुए एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के केदारनाथ सैनी ऑडिटोरियम में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम होना था। हालांकि कार्यक्रम के पहले ही इसका विरोध जो है वो शुरू हो गया था। फारूकी पर हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बयानबाजी का आरोप है और इसी को लेकर हिंदू सेना उनका विरोध कर रही है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने फारूकी का शो रद्द करने की मांग करते हुए एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र में लिखा था। हिंदू विरोधी मुनव्वर फारूकी लगातार हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। उनकी विवादित टिप्पणियों के कारण उसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। राज्यों में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। केएल राहुल पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान मिली हार का बदला चुकाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत के एशिया कप के शुरुआती मैच में पाकिस्तानी टीम के खिलाफ बतौर बल्लेबाज खुद को चुनौती देने के लिए मैं तैयार हूं। राहुल ने 2022 में कोई भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है और उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करने की मानसिकता के साथ ही शुरुआत करनी होगी, जो हाल के दिनों में टीम आजमा रही है। उप कप्तान केएल राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रत्येक टीम विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करना चाहती है। दुर्भाग्य से पिछले साल हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए एशिया कप 2022 में हमारे लिए बदला चुकता करने का बड़ा मौका है। हम इस मुकाबले के लिए काफी बेताब हैं।
राहुल सर्जरी और कोविड-19 संक्रमण के कारण खेल से बाहर रहे थे। 30 साल के स्टार बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी की और 3 मैचों की वनडे सीरीज जीत में टीम की अगुवाई की थी। अब देखना होगा कि जो ये हिसाब चुकता करने की बात कर रहे हैं वो कितनी सही साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।